दोस्तों सब्सक्राइब करो भंडार टीवी को और दबाओ इस घंटे को ताकि आप ऐसी वीडियो सबसे पहले देख पाओ। नमस्कार दोस्तों, भंडार टीवी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको मोल्स मतलब जो चेहरे या शरीर पर किसी भी हिस्से पर तेल हो जाते हैं उसे हटाने का एक बहुत ही बेहतरीन और इतना सरल नुस्खा आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जिसे आपने अभी तक नहीं देखा होगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों, मैंने अपने एक डॉक्टर दोस्त से पता करी है एक ऐसी होम्योपैथिक दवाई जिसका इस्तेमाल करके आप अपने मोल्स अपने तिल को बहुत ही आसानी से हटा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप हमारी इस प्रकार की नई वीडियोस सबसे पहले देख पाएं। देखिए दोस्तों, चेहरे पर जो तिल हो जाते हैं उन्हें हटाने के लिए आप बहुत सारे नुस्खे बहुत कुछ चीजें ट्राई करते होंगे, लेकिन दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारी चीजें काम करती हैं और कई बार नहीं भी करती। लेकिन यहां जो मैं नुस्खा बताने वाला हूं, आपको सिर्फ एक चीज लेकर के आनी है जो कि बहुत ही आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही इजीली आपको अपने रसोई घर में मिल जाएगी। ये इस नुस्खे की सबसे आसान बात है और बहुत ही अच्छी बात है कि जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको आपके रसोई घर में मिल जाएगी। देखिए सबसे पहले इस प्रकार से मैंने क्या किया है, कटोरी ले ली है और यहां पर जो चीज आपको इस्तेमाल में लानी है वो है दोस्तों लहसुन। अब आप कहेंगे कि सर ये 2-3 लहसुन ये हमारे तिल को कैसे हटाएगी, तो यही जो हैरान करने वाली बात है और यही चीज आपके तिल को हटाएगी। कैसे हटाएगी आइए जानते हैं। देखिए आपको क्या करना है कि इस प्रकार से लहसुन की कुछ कलियां, ज्यादा नहीं, अगर आप सिर्फ एक भी लेंगे और अगर आपको सिर्फ किसी एक हिस्से की या 1-2 तिल ही हटानी है तो मेरे ख्याल से तो एक लहसुन की कली बहुत काफी होगी। तो आपको बस क्या करना है कि एक लहसुन की कली इस प्रकार से ले लें और क्या करें आप इसे अच्छी तरीके से इस प्रकार से पीस लें। आपके सामने कुछ इस प्रकार से लहसुन जो है पूरी अच्छी तरीके से कद्दूकस हो जाएगा। रात को ही आपको इस चीज को यूज करना है, दिन में आपको बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपके शरीर पर कहीं भी तिल है तो आप इतना सा लहसुन को लेकर के उस पर इस प्रकार से रख दीजिए। मान लीजिए अगर मेरे यहाँ तिल होता तो मैं उस पर इस प्रकार से रखता और ऊपर से आपको बस क्या करना है कि जो मेडिसिन दुकान में आपको आसानी से एक टेप मिल जाएगी, कागज वाली टेप रहती है जो कि मेनली इसी काम के लिए आती है, यही सब चीजों के लिए, शरीर में कुछ भी घाव कट जाते हैं तो चिपकाने के लिए जो काम आती है वो टेप आपको लेकर के आनी है और इसे अपने तिल पर इस प्रकार से रखने के बाद ऊपर से आपको टेप कर देनी है। ये चीज आप रात को सोने से पहले करिएगा और देखेंगे दोस्तों कुछ दिनों कुछ हफ्तों के बाद आपका जो तिल है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको वो होम्योपैथिक रेमेडी बताने जा रहा हूं जिसके इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से अपने तिल को हटा सकते हैं। दवाई का नाम है थुजा क्यू। देखिए आपको मैं यहां इमेज भी दिखा रहा हूं, आप देखिए ये जो दवाई है आपको जाकर के लेके आनी है मेडिसिन दुकान में। जब आप लेने जाएंगे तो आप क्या करें कि एक बार उनसे पूछ लीजिएगा कि ये जो दवाई है किस काम आती है, वो भी आपको बताएंगे कि नहीं ये जो है मोल्स के लिए काम आती है। आप जाइए लीजिए, इसे लगाना कैसे इस दवाई को मैं बताता हूं। देखिए आप क्या करेंगे कि जैसे आप इसे लेके आएंगे आपको इसे दिन में 3 बार लगाना है अपनी स्किन पर, अपने मोल्स पर 3 बार लगाना है और रुई की सहायता से लगाना है। डिप करें उस पर और रुई की सहायता से लेकर अपने तिल पर दिन में 3 बार लगाएं। एक बार आप सुबह लगा सकते हैं, एक बार दोपहर को और एक बार शाम को। अगर आप इस सारी चीजें यूज कर लेते हो तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं, गारंटी देता हूं कि आपके जो मोल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं तो आप नीचे जाकर के कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं। मिलता हूं आपसे दूसरे वीडियो में किसी और इस प्रकार के नए नुस्खे के साथ, टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।